सब चीज का स्कीम है, एफपीओ के लिए क्या स्कीम है, फार्मर्स के लिए क्या स्कीम है, आपके पास होना चाहिए। ये जो सवाल किसान पूछता है ना, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, सीओ के पास होना चाहिए। हर महीने में आप कम से कम, हर हफ्ते में, ये जो आप अभी 100 लोगों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं ना, आप कम से कम 20 लोगों का बुला के हफ्ते में 4 मीटिंग करना है। अगर किसानों की मीटिंग नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं जानोगे, और किसानों के पास मीटिंग करोगे कैसे जब आप कुछ नहीं जानोगे। जो सवाल ये पूछ रहे, कुछ सवाल का जवाब मेरे पास है, कुछ का जवाब नहीं है। अगर आपसे पूछेंगे तो आपके पास तो जवाब होगा ही, तो इसीलिए आप सबसे पहले जाके सब चीज़ समझो, मेरे एरिया में ये क्रॉप लगता है, इस क्रॉप के ऊपर गवर्नमेंट के पास से क्या स्कीम आ रही है, हॉर्टिकल्चर मिशन में आ रही है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का खुद का स्कीम है, या NMMP का, पतंजलि का स्कीम है, मतलब ऑयल फार्म का स्कीम है, कौन सा स्कीम है, स्कीम का पूरा डिटेल लेके याद करो, और फिर फार्मर्स की मीटिंग करो, फिर फार्मर्स को जवाब दो, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट की स्कीम अलग अलग है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ की 75-85%, और यहाँ बनाओगे 80% सब्सिडी, और हमारे यूपी में बनाओगे 40%। ड्रोन से खेती होती है, पता है, ड्रोन उड़ाते हैं, आप लोग स्प्रे कर सकते हो, 1 एकड़ में 100 लीटर पानी लगता है, कोई भी स्प्रे करने के लिए, ड्रोन से करोगे 10 लीटर पानी में हो जाए, ड्रोन से स्प्रे हो सकती है। यहाँ पर ड्रोन की 90% सब्सिडी है, यूपी में 40% सब्सिडी, ड्रोन की कंपनी से मेरा टाइप है। अगर कोई भी लड़का बोलता है कि मुझे ड्रोन चाहिए, मैं अपने यहाँ पर कर सकता हूँ, वो हमसे कनेक्ट करें, हम करवा दें, ठीक है। लेकिन आपको लोकली मालूम करना पड़ेगा। तो किसान का जवाब देने का काम सीओ का, BODs का, अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट में सीओ का पक्का। हम सब्सिडी का पता नहीं, एरिकानेट का क्या है, ऑयल पाम का सब्सिडी मुझे मालूम है, 90% सब्सिडी मिलेगा। लेकिन किसान को खेत में काम करने के लिए तो खुद करना पड़ेगा ना, बीज तो खुद लगानी पड़ेगी। अपना बीज लगाओ, प्रोडक्शन कम आएगा, बाहर से बीज खरीद के लाओ, हाइब्रिड वाला प्रोडक्शन अच्छा है, मार्केट देने को तैयार है आपका FPC, तो आपको भी बीज लगानी पड़ेगी, अच्छी बात। क्योंकि कोई भी कंपनी के पास जाएंगे ना, वो मेरे को पहले क्वालिटी पैरामीटर बोलता है, मेरे को 14% मॉइस्चर चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए। आपके यहाँ पर अगर ये क्वालिटी पैरामीटर भेजेंगे तो रिजेक्ट। अभी मेरे को जिंजर का डिमांड है, तो आप अदरक करते ना, उस का नाम बालीजान से आया था, तो मैंने वो फोटो भेज दिया कि आपके पास, हमारे पास ये, तो उसने बोला सर ये देसी है, ये नहीं चलेगा, मुझे हाइब्रिड चाहिए। वो देख के बता देता कि ये नहीं चलेगा, वो रेडी है अरुणाचल से लेने के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन क्वालिटी चाहिए, तो आपको क्वालिटी खेती करनी पड़ेगी। FPC इसलिए बनाया कि क्वालिटी खेती करवा, ये तो ब्लैक जिंजर, ब्लैक टर्मरिक जिंजर, हाँ जिंजर।